अरे ऊपर वाले बचा ले। सर क्या कर रहे हैं आप? आपका गुस्सा उस लड़की को दिखाने की बजाय इस जीप को दिखाकर हमें मार डालोगे सर। वो कौन है, क्या है, ना जाने ऐसा क्यों हुआ, आपको उसके बारे में जानना था। अब मैं समझ गया कि मेरी मौत होने वाली है सर। उससे पहले आपसे एक बात पूछनी थी सर, कहीं वो आपकी पत्नी तो नहीं है ना सर? आपने क्या कहा? जिस तरीके से आपसे बात कर रही थी ऐसा लग रहा था आपकी पत्नी है वो। तो पत्नी को जारी कह के पुकार सकते हैं? लेकिन पत्नी तो कंप्लेंट नहीं कर सकती है ना। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बोल के तब से 8-10 पैक मार दिया तूने। मैं वो बात नहीं करता हूँ, ना वो माफ है ना ये, फिर भी माफी की बात किया। उससे शादी करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। हाँ मैंने ये बात की, समझे तुम? हाँ हम नहीं, सिर्फ मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने घर में है और तुम यहाँ हो। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं कहाँ और वो? देखो वो अपने घर में है, तुम अपने घर में हो, शादी के बाद क्या साथ में रहोगे? ए, जा जा जा, तू पागल है, तू जैसा सोच रहा वैसा बिल्कुल नहीं है। तू IAS का पावर क्या है ये नहीं जानता? ये आईस का पावर है, IAS का नहीं। इसे देख रहे हो तुम, ये आईस से हम पैग मार सकते हैं, लेकिन IAS से पैग नहीं मार सकते। तो किसको पावर है, आईस को या IAS को? देखिए सर, चेती मित्राती राजामणि को जानते हो? तहसीलदार है, तहसीलदार। उसने किसी से शादी किया और उसके ऑफिस में काम किया पुणे में। बच्चे कितने हैं? 4 हैं, 4। सर आप छोटा काम करते ये सोचकर डरना मत। ये बस कर, तुम्हारी नजर में क्या सर्कल का काम चीप काम है क्या? ये सिर्फ हम ही जानते हैं। सर को क्या कमी है, कोई भी लड़की मान जाएगी। पिता नहीं है, माँ नहीं है, ननद नहीं है, आपका कोई भाई बहन तक नहीं है। एक सब कलेक्टर को मिलने वाला पैसा आप एक दिन में बना लेते हैं। अच्छी लड़की मिले तो पैसा क्या पैसा दिखेगी। आज मैं उसके घर जाकर ये सब बताऊं तो पूछेगी शादी कहाँ करनी है। आखिर आप में कमी क्या है सर, आपको कौन मना कर सकता है, बताइए। छे टाइम भी नहीं दिख रहा सही से, क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गया। हाँ मैं अभी कलेक्टर के घर जाता हूँ, दोपहर का खाना उस कलेक्टर के घर पर है, मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, देखना वो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ कुटप्पा, तुम अकेले इस वक्त कैसे? इस चांदी का क्रेडिट मैं किसी को नहीं लेने दूंगा, इसमें पूरा क्रेडिट मेरा होगा, मेरा। ठीक है फिर, तो फिर अभी मैं इसे ले जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे काम आएगा रास्ते में। अरे सर आप थोड़ा हिम्मत रखिए, आपका सपना खत्म होने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स। अरे पैसे 38 पुराने मिला के 22 से 38 थे। लिख कर रखना, मैं बात नहीं कर पा रहा, गर्दन में चोट लगी तो कैसे बात करेगा। बात करने में तकलीफ हो रही है लेकिन ऑटो में बैठने से नहीं, कमीना कहीं का। बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या हो गया? अपने सर्कल सर के लिए एक लड़की का हाथ मांगने गया था, सब कलेक्टर का घर था तो बच गया, अगर मंत्री का घर होता तो बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई होती। तुम हमें अच्छी तरह समझाओ। अभी क्या समझाऊं, मेरी शक्ल देखकर समझ जाओ, मैं पहले पानी पी लेता हूँ। अरे तुम लोग इसमें पानी क्यों नहीं रखते? कल रात CI सर के साथ दारू पीकर 12 बजे सब कलेक्टर का हाथ मांगने के लिए गया था, मैंने सोचा सुबह के 12 बज रहे हैं, चोर समझकर वो सब कलेक्टर की माँ मुझे देखकर चिल्लाने लगी, कौन है, किस लिए आया है, कुछ नहीं सुना। उसका भाई आकर मुझे एक कमरे में ले गया, फिर वहाँ मुझे मारते रहे।
मार मार कर मेरी कमर की हड्डी तोड़ दी सालों ने। सुनो, यहाँ के सर की कीमत कल रात में समझ आई मुझे। कोई कीमत नहीं है उनकी, कोई इज्जत नहीं है, कचरा है कचरा, थू थू थू, एकदम कचरा। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ तुम बताओ। सुनिए राघव सर, आपको समझना होगा, कोई पागल ही होगा जो ऐसे सपने देखेगा। एक सीआई सब कलेक्टर से सपने में भी शादी कर सकता है क्या? सपना भी औकात से देखना चाहिए। सर्कल इंस्पेक्टर की क्या वैल्यू है? थू, सिर्फ सर्कल, जीरो। राघव इधर चलो। राघव बुला रहे हैं सर। सर आप यहीं पर थे? राघव सर, हमारे मंदिर में जो देवी के जेवर चोरी हुए थे वो चोर मिला क्या? कहाँ मिलेगा सर, ढूंढ कर निकालना पड़ता है। अरे चाको सर, अपने विजय के घर में जो हार चोरी हुआ था वो चोर मिला क्या? क्या सर, सर क्यों इस बेचारे को तंग कर रहे हो? नहीं मिलेगा। राघव यहाँ पर पेंडिंग पड़ी सबकी FIR लिख दो। तो चोर मिल गया क्या? हाँ मिला। वो कौन है? तुम। सर्कल की कीमत क्या है मैं बताता हूँ। सर माफ कर दो। राघव अगर कोई इसे मारे तो दर्द मुझे सुनाई देना चाहिए। मिलेगी, मेरे सर्कल में मिलेगी। तो ये ड्रग्स का मामला है। अच्छा है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मैं बचपन में पढ़ा था इसके चक्कर में। इसका सिर्फ इस्तेमाल करते हो या इसका छोटा मोटा धंधा भी करते हो? तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। आनंद, अगर ये सिर्फ आनंद के लिए किया तो भी इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अरे ये क्या है? भले तुम्हें सीखना पड़ेगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा परिवार पैसे वाला है क्या? एक काम करो, घर पे कॉल कर दो, दो पेटी कैश भर के मुझसे पर्सनली मिलने के लिए कहो। केस नहीं बनाएंगे, यहीं खत्म कर देंगे। बिना पैसे दिए इस केस को कैसे खत्म करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरे बाप की इतनी ऊपर तक पहचान है क्या? तेरा बाप है कौन? हैदराबाद का निजाम है क्या? मेरे पिताजी की बात मत करो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ज्यादा मुंह चला तो उल्टा लटका कर मारूंगा। फालतू में मुझे क्यों डराते हो सर? सब कलेक्टर को उल्टा बोलने से सबके सामने माफी मांगी, आप सब भूल गए क्या? थोड़ा बादाम खाइए भूल जाते हो। मैं उन्हीं सब कलेक्टर लक्ष्मी जी का इकलौता भाई हूँ। क्या? एक बार और बोल। कलेक्टर का भाई हूँ। सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी का इकलौता भाई है तू? ये सब मैं सपना देख रहा हूँ क्या? ये सब मेरे कान ने क्या सुना? तुमने जिसको पकड़ा है ना, बहुत बड़ी मदद की है। मैंने नहीं सर, राघव ने पकड़ा। राघव नहीं, राघव भाई। राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई। आपने क्या कहा? राघव भाई कहा। दोबारा बोलिए। राघव भाई। क्या हुआ? पहली बार आपने राघव भाई बुलाया है, मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा सर। बिल्कुल मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। राघव भाई आपने जिसको पकड़ा है ये जानते कौन है? मैंने भी पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा सर। हमारे सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी का इकलौता भाई है ये। I'm really sorry। हम इसे छोड़ने वाले क्या? क्या कहा? तो इसे छोड़ दें क्या सर? मैं इसको तुरंत छोड़ दूं? ये आपका इकलौता बेटा तो है नहीं? लॉक हिम। क्या? इसे ले जाकर लॉकअप में डालो। खेल तो अभी माधवन